नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 मई दोपहर 2 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। सरकार की ई पास व्यवस्था से उपजी परेशानी की बानगी जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में देखने को मिली। 3 दिन पहले किए आवेदन को शादी के दिन सुबह ही अन वक्त पर गृह विभाग ने रिजेक्ट कर दिया। दुल्हे के परिवार को जैसे ही पता लगा तो दुल्हा शेरवानी के साथ बारातियों को साथ लेकर ही कलेक्ट्रेट पहुंच गया। अफसर यह नज़ारा देखकर हैरान हो गए। पता किया तो आवेदन रिजेक्ट था। इसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गृह विभाग के जरिए 5 जनों को अनुमति दिलवाई गई। SMS अस्पताल के चिकित्सकों ने एक बार फिर कमाल किया है। जानकारी के अनुसार मालपुरा निवासी महिला का घरेलू विवाद के चलते हाथ का पंजा कट गया था। महिला को लहूलुहान हालत में SMS में भर्ती करवाया गया था। प्लास्टिक सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग के चिकित्सकों ने 5.5 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद महिला को अपंग होने से बचा लिया। जयपुर के फागी के रेनवाल मांझी टोल प्लाजा पर फायरिंग का मामला सामने आया है। टोल प्लाजा कर्मचारी व आरोपियों ने पुलिस चौकी पहुंच दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग के आरोप लगाए हैं। टोल कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ये वाहन बजरी माफियाओं के हैं और टोल की मांग को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। थाना अधिकारी भंवरलाल वैष्णव मामले की जांच कर रहे हैं। 12 जिले के छपड़ा में लेन देन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। बाइक सवार 3 युवकों ने एक युवक पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया। इस हमले में घाटाखेड़ी निवासी कल्याण भील घायल हो गया, जिसे गंभीर घायल अवस्था में 12 रेफर किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया जी में मंदिर मंडल की यशोदा विहार धर्मशाला की दुकानों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 3 दुकानें चपेट में आ गई। मौके पर 2 और दमकल और 4 टैंकर पहुंचे। वहीं आग बुझाने में काफी मशक्कत लगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल के कई कर्मचारी मौके पर पहुंचे। श्री सांवलिया जी मंदिर के सामने बाहर की तरफ करीब 20 से 25 दुकानें हैं, जिन्हें किराए पर दिया हुआ है। जालौर जिले के करड़ा थाना के खारा गांव में 30 अप्रैल को रामलाल जाट के डेयरी प्लांट में 10,20,000 रुपए की चोरी के मामले में करड़ा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास CCTV फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने 7 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मुख्य आरोपी राकेश कुमार और अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शरीक मुलजिमान दीपाराम उर्फ दीपक और जगदीश उर्फ JD को नामजद किया गया है। बीकानेर जिले की गजनेर पुलिस थाना क्षेत्र के खरीचारणायन गांव में आज सुबह 30 वर्षीय युवक पानी के कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि आज सुबह खरीचारणायन निवासी माघाराम पुत्र दुर्गाराम मेघवाल ने अपने घर में 10 फुट गहरे पानी के कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक विवाहित था और वह शराब का आदी था। कोटा जिले में महाराष्ट्र के ठाणा गांव तहसील पडगांव में देर रात संगोद पहुंचे 2 परिवारों के 47 लोगों को पुलिस और प्रशासन ने क्वारंटाइन करवाया है। ये सभी लोग दरा कनवास होकर 2 बसों से संगोद पहुंचे थे। इन सभी लोगों को ईदगाह परिसर में मेडिकल जांच के बाद बालिका स्कूल के भवन में क्वारंटाइन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्णय लिया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं CBSE के शेड्यूल के अनुसार होंगी। इस निर्णय से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि लॉकडाउन के संबंध में 17 मई के निर्णय के अनुसार 10वीं 12वीं की बची परीक्षाएं निर्धारित की जाएंगी। इसका टाइम टेबल 10 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को कुछ आराम मिल सकता है। अजमेर पुलिस अधीक्षक ने वार्ता अधिकारियों और थाना प्रभारियों को परस्पर तालमेल कर थकान और तनाव झेल रहे पुलिस कर्मियों को आराम देने के निर्देश दिए हैं। कोरोना लॉकडाउन के 40 दिन बीत चुके हैं। लगातार हार्ड ड्यूटी से पुलिस कर्मी थकान और मानसिक तनाव भी महसूस कर रहे हैं। कई पुलिस कर्मियों को लंबे अरसे से अवकाश नहीं मिले हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।